गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर ऑनलाइन स्टडी चैनल साइंस एनर इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन आई एम विक्की विशाल आई एम योर साइंस टीचर स्टूडेंट्स जैसा कि आप सभी जानते हैं पूरे देश में 24 मार्च से लॉकडाउन चल रहा है यह महामारी पूरे विश्व को तबाह किए हुए है जिसके कारण लॉकडाउन हमेशा बढ़ते जा रहा है इस लॉकडाउन में भी आपकी पढ़ाई पर ज़्यादा कोई असर न पड़े इसके लिए आपके स्कूल ने आप सभी के लिए एक ऑनलाइन चैनल बनाया है जिससे आप घर पर रहकर भी अच्छे से पढ़ाई कर सकें और आपका सिलेबस भी ना छूटे इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है आप अपने स्कूल के ऑनलाइन चैनल पर आएँ वहाँ प्ले में जाकर अपने अपने क्लास को ज्वाइन करें तो आइए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं आज हम क्लास नाइन्थ के लिए बायोलॉजी का चैप्टर वन पढ़ने जा रहे हैं और चैप्टर वन है हमारा सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कोशिका हमारे जीवन की आधारभूत इकाई इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ सेल लाइक डिफिनिशन ऑफ सेल शेप एंड साइज ऑफ सेल टाइप्स ऑफ सेल स्ट्रक्चर ऑफ सेल सेल ऑरगैनल्स डिफ्रेंस बिट्वीन एनिमल एंड प्लांट सेल्स इस चैप्टर में हम इन सारे टॉपिक्स को जो है कवर करने जा रहे हैं फर्स्ट है हमारा डिफिनीशन ऑफ सेल्स सेल की क्या परिभाषा होती है वो जानते हैं हम सेल इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कोशिका हमारे जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है इट इज टर्म एज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ बिकॉज इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर टू आवर बॉडी इसको स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे बॉडी को स्ट्रक्चर प्रदान करता है एंड इट इज टर्म्ड एज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बिकॉज ऑल द फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी टेक प्लेस एट सेल लेवल्स इसको हम कार्यात्मक इकाई भी क्यों कहते हैं क्योंकि जितने भी फंक्शंस हैं हमारे बॉडी के ये सारे सेल लेवल के तहत काम करते हैं नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ सेल सेल का खोज सेल की खोज किसने की थी तो इट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665 रॉबर्ट हुक नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सिक्सटीन ईस्वी में इसकी खोज की थी एंड इन 1831 रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल और रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कि सेल के अंतर न्यूक्लियस पाए जाते हैं इसकी खोज की नेक्स्ट है सेल थियोरी सेल के बारे में पढ़ लिए कि उसका डिफिनीशन क्या होता है तो सेल के बारे में दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने थियोरीज दिए हैं वो सेल थियोरी क्या है वो पढ़ते हैं इन एटीन थर्टी नाइन स्लाडेन एंड स्वान गेव द सेल थियोरी द सेल थियरी स्टेट्स दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज आर कंपोज ऑफ सेल्स वाला थियोरी ये था कि जितने भी ऑर्गेनिज हैं ये सारे सेल से कोशिकाओं से मिल करके बने हुए हैं सेकेंड सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल हमारे जीवन का आधारभूत इकाई है थर्ड ऑल न्यू सेल्स कम फ्राम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स जितने भी नए सेल्स हैं वो कहाँ से बन बनते हैं तो पूर्वर्ती कोशिकाएँ जो होती हैं उनसे बने होते हैं ये तीन सेल थियोरी थे जो स्लाडेन और स्वान जो जर्मन बायोलॉजिस्ट थे उनके द्वारा दिया गया था सेल के बारे में नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स कोशिकाओं के संख्या के आधार पर ऑर्गेनिज को कितने भागों में बाँटा गया है ये जानते हैं तो कोशिकाओं के संख्या के आधार पर जितने भी जीव हैं उनको दो भागों में बाँटा गया है एक है यूनिसेल ऑर्गेनिज जिसको हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं एंड सेकेंड है मल्टी सेलोर ऑर्गेनिज जिसको बहु जीव कहते हैं तो एक कोशिकीय जीव किसको कहते हैं द ऑर्गेनिज्म दैट आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल आर कॉल्ड यूनि सेलोर ऑर्गेनिक्स ऐसे ऑर्गेनिज ऐसे जीव जो एक ही प्रकार के सेल से एक ही सेल से बने हुए हैं उनको जो है हम यूनि सेलोर ऑर्गेनिज कहते हैं एज फॉर एग्जाम्पल अमीबा पैरामीशियम बैक्टीरिया ई अमीबा हो गया पैरामीशियम हो गया बैक्टीरिया हो गया ये सारे जो है ये सिंगल सेल से बने हुए हैं इसलिए हम इसको यूनी सेलोर ऑर्गेनि कहते हैं नेक्स्ट है हमारा मल्टी सेलोर ऑर्गेनिज द ऑर्गेनिज दैट आर मेडअप ऑफ मेनी सेल्स विच परफॉर्म पार्टिकुलर टास्क इन द बॉडी आर कॉल्ड मल्टी सेलोर ऑर्गेनिज ऐसे ऑर्गेनिज जो बहुत सारे सेल्स के से मिल करके बने हुए हैं वो मल्टी सेलोर ऑर्गेनिज कहलाते हैं फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स एनिमल्स ह्यूमन बींग्स ये सारे क्या है तो मल्टी सेलोर ऑर्गेनिज हैं यानी बहू कोज की ये जीव हैं Next topic is shape and size of cell. Cells vary in size and shape. They may be oval, spherical, rectangular, spindle shape, or totally irregular like the nerve cells. And the size of cell also varies in different organisms. Most of the cells are microscopic like RBCs, it means red blood cells. वाइल्ड सॉम सेल्स आर लार्ज लाइक नॉब सेल्स कुछ ऐसे भी सेल्स हैं जो बहुत बड़े होते हैं नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ सेल्स सेल्स कितने प्रकार के हैं देर आर टू टाइप्स ऑफ सेल फर्स्ट प्रो कैर्वेटिक सेल्स सेकेंड यू कैर्वेटिक सेल्स प्रो कैर्वेटिक क्या होता है प्रोकर्वेटिक सेल्स आर सेल्स इन विच ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट प्रो कर्टिक सेल उस सेल को कहते हैं जिसमें न्यूक्लियस जो है वो नहीं पाया जाता है दे आर प्रीमिटिव एंड इनकम्प्लीट सेल्स ये असाध्य और इनकम्प्लीट सेल्स कहा जाते हैं दे आर ऑलवेज यूनिसेल ऑर्गेनिज और इसके अंतर्गत जितने भी एक कोश ऑर्गेनिज आते हैं एक कोशकीय जीव आते हैं वो जो है प्रोकैरुटिक सेल्स के अंतर्गत आते हैं एज फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया ब्लू ब्लू ग्रीन एल्गी ये सारे जो हैं प्रो कैरिवेटिक सेल हैं नेक्स्ट है यू कैरिवेटिक सेल यूक्रवेटिक सेल्स आर सेल्स इन विच ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। यूक्रोटिक सेल्स ऐसे सेल्स को कहते हैं जिनके अंतर्गत जो है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है डी आर एडवांस एंड कंप्लीट सेल्स दे इंक्लूड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज बोथ यूनि सेलोअर एंड मल्टी सेलोर ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज जो मल्टी सेलोअर भी हों और यूनिसेलोअर हो वो सारे इसके अंतर्गत आते हैं एक्सेप्ट बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी और जैसे कि ब्लू बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़ करके बाकी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज है यूनी हो चाहे वो मल्टी हो ये सारे जो है यू सेल के अंतर्गत आते हैं नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यू सेल्स इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या है प्रोक्रिवेटिक सेल्स और यू सेल्स के डिफरेंस के बारे में हम पढ़ेंगे फर्स्ट है इट इज स्मॉल इन साइज प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो छोटा होता है ये वन से टेन एम mm का होता है यूकैरियोटिक सेल इट इज जनरली लार्ज ये जो है अधिकतर बड़ा होता है कितने तो फाइव से लेकर के और हंड्रेड तक ये मिलीमीटर का होता है सेकेंड है न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन प्रोकरवेटिक सेल प्रोकरवेटिक सेल में न्यूक्लियस एबसेंट होता है हम ऊपर पढ़े हैं अभी जस्ट कि इसके न्यूक्लियस जो है वो एबसेंट होता है यूक्रविटिक सेल न्यूक्लियस इज प्रजेंट यू करोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है थर्ड इट कंटेंट सिंगल क्रोमोजोम प्रोक्रवेटिक सेल में सिंगल क्रोमोजोम पाए जाते हैं और यू कैरेटिक सेल में इट कॉन्टेंट्स मोर दैन वन क्रोमोजोम और इसमें एक से जो है अधिक क्रोमोजोम पाए जाते हैं फोर न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट इसके प्रोकेरबेटिक सेल में न्यूक्लियोलस जो है वो एब्सेंट होता है क्योंकि न्यूक्लियस नहीं है तो न्यूक्लियोलस भी नहीं होगा और यूकैरविटिक सेल में न्यूक्लियोलस इज प्रजेंट और इसके इसमें जो है न्यूक्लियोलस पाए जाते हैं फाइव है हमारा सेल डिविज़न टेक्स प्लेस बाई फीजन और बडिंग प्रो सेल का जो सेल डिविज़न होता है वो फीजन और बडिंग बाइनरी फीजन और बॉर्डिंग के थ्रू जो है वो सेल डिवीजन होता है और यू कैरवेटिक सेल में सेल डिवीजन टेक्स प्लेस बाई माइटोटिक एंड मेोटिक सेल डिवीजन ये माइटोटिक और मेोटिक सेल डिवीजन के थ्रू जो है वो सेल डिवीजन करते हैं नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सेल इसकी बनावट कैसी है सेल की बनावट जो है वो कैसी है इट इज जनरली कंपोज्ड ऑफ थ्री बेसिक कंपोनेंट्स सेल जो है तीन बेसिक कंपोनेंट्स मिलकर के बने हुए हैं फर्स्ट है सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, सेकंड न्यूक्लियस थर्ड साइटोप्लाज्म तो सेल मेम्ब्रेन क्या है ये जान लेते हैं सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को ही हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कवरिंग ऑफ सेल दैट सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ये बाहरी सन ये सेल का जो है सबसे बाहरी ये कवरिंग होता है जो एक्सटर्नल इन्वामेंट से जो है इसको प्रोटेक्ट करता है इट इज़ लिविंग पार्ट ऑफ सेल एंड इट इज़ प्रजेंट इन सेल्स ऑफ प्लांट्स एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेज ये प्लांट सेल्स के अंतर्गत एनिमल सेल्स के अंतर्गत और माइक्रो ऑर्गेनिज जितने भी हैं उनके अंदर जो है ये पाया जाता है इट इज़ वेरी थीन डेलीकेट इलास्टिक एंड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन ये काफ़ी पतला होता है सूक्ष्म होता है इलास्टिक यानी कि लचीला होता है और परमीय भी यानी कि परगम जो है ये मेम्ब्रेन कहलाता है इट इज़ कम्पोज ऑफ़ लिपिड एंड प्रोटीन्स ये लिपिड और प्रोटीन से मिलकर के बना होता है इसके फंक्शंस क्या है तो इट अलाउज़ द फ्लो ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ सेल्स ये सेल के का सेल के अंदर और बाहर किस सब को अंदर आना है किस सब को बाहर जाना है इसका जो है ये मेन फंक्शंस है नेक्स्ट है सेल वॉल सेल वॉल इज नॉन लिविंग थिक एंड फ्रीली परमिएबल कवरिंग मेड अप ऑफ सेलुलोज सेल वॉल जो है वो नॉन लिविंग है थिक है और फ्रीली परमिएबल कवरिंग जो कि सेलुलोज से मिलकर के बना हुआ होता है इट इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक प्लांट सेल्स ये यूकैरियोटिक प्लांट सेल्स के अंतर्गत पाए जाते हैं एंड इन प्रोकरवेटिक सेल्स और जितने भी प्रो सेल्स हैं उनके अंतर्गत यू में केवल प्लांट सेल के अंतर्गत ये जो है वो सेल वाल मिलेंगे आपको इसके फंक्शंस क्या है तो ईट डिटरमाइंस द सेप रेजिडिटी द प्लांट सेल्स ये सेल के अंदर कठोरता जो है वो बनाता है इट प्रोटेक्ट्स द प्लाज्मा मेमरेन ये प्लाज्मा मेमरेन जो है उसको जो है प्रोटेक्ट करता है इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब इन एंड आउट ऑफ सेल्स ये भी जो है वो बाहरी कॉवरिंग है इसलिए ये भी जो है अलाउ करता है कि किस सब्सटेंस को अंदर आना है किस सब्सटेंस को बाहर जाना है ये भी जो है वो सेल मेम्ब्रेन की तरह ही काम करता है सेल वॉल सेकेंड है हमारा न्यूक्लियस न्यूक्लियस क्या है तो इट इज डेंस एंड स्फेरिकल ऑर्गेनल द फ्लूड विच प्रजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियो प्लास्ट ये जो है काफ़ी डेंस और स्फेरिकल ऑर्गेनल है और इसके अंतर इसके अंतर्गत जो फ्लूड पाए जाते हैं फ्लूड उसको जो है हम न्यूक्लियो प्लाज्म बोलते हैं न्यूक्लियस कंटेंट्स क्रोमोजोम एंड क्रोमोजोम कंटेंट्स जीन विच आर द सेंटर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन न्यूक्लियस के पास क्रोमोजोम होता है और जो क्रोमोजोम है उसके अंतर्गत जीन पाए जाते हैं जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन देने में जो है वो हेल्प करता है इट इज़ कॉल्ड द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल इस जितने भी फंक्शंस हैं सेल के ये सारे जो है न्यूक्लियस के थ्रू कंट्रोल किए जाते हैं इसीलिए हम इस न्यूक्लियस को जो है सेल का जो है कंट्रोल सेंटर जो है वो कहते हैं नेक्स्ट है हमारा फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस इट कंट्रोल्स ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ सेल्स जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं सेल्स के ये सारे इसी के थ्रू जो है वो कंट्रोल किए जाते हैं इट इज़ द स्टोर हाउस ऑफ जीन इट इज़ कंसर्न विद द ट्रांसमिशन ऑफ हेयर ट्रेड्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफ स्प्रिंग क्योंकि ये कंट्रोल ये स्टोर हाउस है जीन का इसलिए जो अनुवांशिकता है जो पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग यानी कि उसके बच्चे में जाता है इस इसका ट्रांसमिशन जो है संचरण जो है इसी के माध्यम से होता है नुकल, ये न्यूक्लियस के माध्यम से थर्ड है साइटोप्लाज इट इज़ रियली लाइक कलरलेस सेमी फ्लूड सब्सटेंस दैट अकर्स बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस ये एक लाइक कलरलेस फ्लूड है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में पाया जाता है इट कंटेंट्स वराइटी ऑफ सेल ऑर्गेनल्स जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं वो सारे जो है ये यहीं पर जो है वो पाए जाते हैं एंड अदर इनसोल्यूबल वेस्ट्स एंड स्टोरेज प्रोडक्ट्स लाइक स्टार्च ग्लाइकोजन लिपिड्स ये भी सारे जो है वो साइटोप्लाज में मिलते हैं साइटोप्लाज्म के फंक्शंस क्या हैं तो इट इज़ द साइट ऑफ सर्टेन मेटाबॉलिक रिएक्शंस लाइक ग्लाइकोलिसिस सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स न्यूक्लियोटाइड्स इटीसी। ये सारे फंक्शंस जो है वो यहीं पर जो है वो साइटोप्लाज्म पर होते हैं इट एक्ट्स एज स्टोर ऑफ वाइटल केमिकल्स लाइक अमेनो एसिड्स प्रोटीन शुगर विटामिन ई ये जितने भी वाइटल केमिकल्स हैं इसको स्टोर करके भी जो है वो रखता है जैसे कि अमीनो एसिड्स हो गए प्रोटीन्स हो गए शुगर हो गए विटामिन हो गए इन ये सारे जो है वो साइटोप्लाज्म में स्टोर होकर के रहते हैं नेक्स्ट टॉपिक इज सेल ऑर्गेनल्स सेल ऑर्गेनल्स होते क्या हैं इनसाइड द सेल देयर आर डिफरेंट पार्ट्स परफॉर्मिंग डिफरेंट एक्टिविटीज़ टू कीप द सेल अलाइव एंड फंक्शनेबल सेल के अंदर ऐसे बहुत सारे ये फंक्शंस काम करने वाले जो है ये पाये, पार्ट्स पाए जाते हैं जो सेल को जो है वो जिंदा रखता है और उसको फंक्शनेबल यानी कि कार्यात्मक जो है बनाए रखता है तो उसके अंतर्गत बहुत सारे जो है वो पार्ट्स पाए जाते हैं और इन्हीं पार्ट्स को जो है हम सेल ऑर्गेनास बोलते हैं और ये कौन कौन से हैं तो फर्स्ट है हमारा गोल्गियाप्रेट सेकेंड है इंडो रेटिकुलम थर्ड है राइवोजोम फोर्थ है माइट्रोकोन्ड्रिया फाइव है सें सेंट्रोजोम्स एंड सेंट्रियोल्स सिक्स है प्लास्टि सेवन है लाइजोजोम्स एट है वैक्यूल्स एंड नाइन है पेरोक्सीजोम्स। तो आइए फर्स्ट में पढ़ते हम कि गोलगी ऑपरेटर्स क्या होता है गोलगी ऑपरेटर्स कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ तो मेम्ब्रेन बाउंड फ्लूड फ्लूड फील्ड वेसिकल्स वेक्यूल्स एंड क्लोज इट्स मेन फंक्शन इज टू स्टोर मॉडिफाई पैकेज एंड डिस्पैच द सब्सटेंस जितने भी सब्सटेंस हैं उसको स्टोर करके पैकेज करके डिस्पैच करने का काम जो है पूरे बॉडी पूरे सेल्स के पास भेजने का काम जो है वो ये गोल्गी ऑपरेटस करता है इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड लाइजोजोम्स ये सेल वॉल के संश्लेषण में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के संश्लेषण में और लाइजोजोम्स के संश्लेषण में जो है ये मुख्य भूमिका निभाता है नेक्स्ट है हमारा इंडो प्लाज्मिक रेटिकूलम इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है तो इट इज़ अ मेम्ब्रेनस नेटवर्क ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एक्सटेंडिंग फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू प्लाज्मा मेम्बरे ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच जो है एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं इट इज़ प्रजेंट इन प्रोक्रवेटिक सेल्स एंड मैच्योर्ड आर बी सीज ऑफ मैमल्स ये प्रोक्रवेटिक सेल्स में पाए जाते हैं और मैमल्स यानी कि अस्तनपाई जो है उसके आर बी सीज यानी कि रेड ब्लड सेल में जो है ये पाए जाते हैं सॉरी नहीं पाया जाए इट इज़ एब्सेंट एब्सेंट होता है नहीं पाया जाता है देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडो रेटिकुलम फर्स्ट है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेकंड सेकेंड है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है दो प्रकार के हैं एक है आर ई आर यानी कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेकेंड एस ई आर यानी कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके फंक्शंस क्या है तो इट गिव्स इंटरनल सपोर्ट टू द सेल ये आंतरिक जो है वो सपोर्ट देता है सेल्स को इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सबस्टांस फ्रॉम न्यूक्लियर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आर ई आर हेल्प्स इन सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन ए सी आर हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिपिड्स आर ई आर का जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस सिंथेसाइज करता है और ए सी आर जो है वो लिपिड सिंथेसाइज करता है ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है अराइबोजोम अराइबोजोम क्या है तो दीज आर एक्सट्रीमली स्मॉल डेंस एंड स्फ़ेरिकल बॉडीज विच अटैच टू ई आर ये काफ़ी जो है छोटा और स्फ़ेरिकल बॉडी होता है जो ई ER आर से जो है वो अटैच कनेक्ट रहता है दीज आर अप ऑफ आर एन एंड प्रोटीन्स ये किसी से बने होते हैं तो आर एन ए और प्रोटीन से बने होते हैं दे प्ले ए मेजर रोल इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स प्रोटीन के संश्लेषण में ये बहुत ही मुख्य भूमिका निभाते हैं सेल्स के अंदर का जो प्रोटीन संश्लेषण होता है वो मुख्य कार्य जो है वो यही राइबोसोम करता है नेक्स्ट है माइट्रोकॉन्ड्रिया व्हाट इज माइट्रोकॉन्ड्रिया तो दे आर स्मॉल रॉड सेप्ट ऑर्गेनल्स दे कंटेंट दे आर ओन डी एन राइबोजोम ये रॉड सेप्ट लाइक के एक प्रकार का एक ऑर्गेनल है जिसके अंतर्गत अपना डी और राइबोजोम मौजूद होता है दे आर एब्सेंट इन बैक्टीरिया ये बैक्टीरिया के अंतर्गत एबसेंट होते हैं एंड रेड ब्लड सेल्स ऑफ मैमल्स जैसे कि इंडो प्लाजमिक रेटिकुलम के बारे में बताएं कि उसके अंतर्गत जो रेड ब्लड सेल्स हैं ये मैमल्स के रेड ब्लड सेल्स उसके अंतर्गत वो नहीं पाए जाते हैं हु बहू ये माइट्रोकोन्ड्रिया भी जो है वो बैक्टीरिया और रेड ब्लड सेल्स ऑफ मैमल्स के अंतर्गत नहीं होते हैं नहीं पाए जाते हैं माइट्रोकॉन्ड्रिया का फंक्शंस क्या है तो दे आर द साइट ऑफ सेलुलर एस्पीरेशंस कोशिका का जो श्वसन होता है जित जो श्वसन करता है वो उसका मुख्य काम जो है ये माइट्रोकॉन्ड्रिया करता है माइट्रोकॉन्ड्रिया ही जो है वो हेल्प करता है उसके श्वसन में दे स्टोर इनर्जी ये इनर्जी को जो है स्टोर करता है रिलीज ड्यूरिंग रिएक्शन जो रिएक्शन चलता है श्वसन के वक्त उसमें से जो इनर्जी प्राप्त होता है जो एटीपी के फॉर्म में रहता है वो जो है वो स्टोर करता है कौन माइट्रोकोनड्रिया ए क्या होता है तो एडोनोसिन ट्राईफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म है एडोनोसिन ट्राई जो कि इनर्जी का रूप है जब रेस्पिरेशन सेल जब रेस्पिरेशन करता है तो उस रिएक्शन के वक्त जो एनर्जी बनता है उस एनर्जी का ये फॉर्म है ए टी पी देर फॉर दे आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल्स और माइट्रोकोन्ड्रिया को जो हम पावर हाउस ऑफ सेल्स भी कहते हैं आप क्लास एट में भी पढ़े हैं ये सारे टॉपिक्स के बारे में तो आज हम डिटेल्स में इसको पढ़ा रहे हैं नेक्स्ट है सेंट्रियोल्स सेंट्रियोल्स क्या है तो इट इज इन द सेल डिवीजन ये सेल डिवीजन में मदद करता है एंड आल्सो हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लेगेला सीलिया और फ्लेगेला के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है सेंट्रियोल्स नेक्स्ट है हमारा प्लास्टिड्स प्लास्टिड्स क्या है तो प्लास्टिड्स आर प्रजेंट मोस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एबसेंट इन एनिमल सेल्स प्लास्टिक्स जो है ये प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं और एनिमल सेल्स में ये एबसेंट रहते हैं दे हैव देयर ओन डी एन एंड राइबोजोम्स इसके पास भी अपना डी एन ए और राइबोजोम मौजूद होता है प्लास्टिक्स आर थ्री टाइप्स प्लास्टिक्स जो है वो तीन प्रकार के हैं फर्स्ट क्लोरोप्लास्ट सेकेंड क्रोमोप्लास्ट थर्ड ल्यूकोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट क्या है तो दीज आर द्रीन कलर्ड प्लास्टिक्स कंटेनिंग क्लोरोफिल्स विच हेल्प्स इन फोटो सिंथेसिस ये ग्रीन कलर्ड प्लास्टिक्स हैं जिसके अंतर्गत क्लोरो फिल पाया जाता है जो फोटो सिंथेसिस में जो है वो हेल्प करता है सेकेंड है क्रोमोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट क्या है तो दीज आर द कलर कलरफुल प्लास्टिक्स एक्सेप्ट ग्रीन ये कलरफुल प्लास्टिक्स है हरा को छोड़ करके बाकी जितने भी कलर हैं वो सारे जो है ये क्रोमो क्रोमोप्लास्ट में जो है वो मौजूद रहते हैं इट गिव्स कलर टू द फ्लावर और ये फ्लावर के फ्लावर का जो है ये कलर देते हैं कौन क्रोमोप्लास्ट नेक्स्ट हमारा लिको प्लास्ट दीज आर द कलरलेस प्लास्टिक्स ये ऐसा प्लास्टिक्स है जो कलरलेस है इसमें कोई कलर नहीं होता है इट हेल्प्स इन द स्टोरेज ऑफ फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च प्रोटीन एंड फैट्स ये भोजन को जो है वो स्टोर करके रखता है किसके फॉर्म में तो स्टार्च के फॉर्म में प्रोटीन के फॉर्म में और फैट के फॉर्म में ये प्लास्टिक्स का एक ऐसा पार्ट है जो कलरलेस है और ये भोजन को जो है वो स्टोर करके कर रखता है स्टार्च प्रोटीन और फैट्स के रूप में ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लाइजोजोम लाइजोजोम क्या होता है तो दे आर फाउंड इन यू कैटिक सेल मोस्टली इन एनिमल्स ये एनिमल सेल्स के अंतर्गत जो है वो अधिकतर पाए जाते हैं यू कैटिक सेल्स के अंतर्गत इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फॉरिन सबस्टांस एंड वार्म आउट सेल ऑर्गेनल्स ये जो फॉरेन सब्सटेंस बाहरी जो सब्सटेंस आते हैं उसको डाइजेशन डाइजेस्ट digest करने में जो है ये हेल्प करता है दे प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड वायरस ये बैक्टीरिया और वायरस से जो है ये प्रोटेक्ट करने में मदद करते हैं दे आर नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ सेल इसको जो है बैग का सुसाइडल बैग भी कहते हैं इसको सेल का सुसाइडल बैग भी कहते हैं क्यों बिकॉज वेन द सेल गेट्स डैमेज क्योंकि जब सेल डैमेज हो जाते हैं लाइजोजोम में ब्रस्ट एंड द इंजाइम डाइजेस्ट देअर ओन सेल्स लाइजो जो हम जो है वो ब्रश्ट कर जाते हैं फूट जाते हैं और जो इंजाइम्स हैं वो डाइजेस्ट द इंजाइम्स देयर ओन सेल्स वो उसी सेल्स को जो है वो डाइजेस्ट कर इंजाइम्स के थ्रू जो है डाइजेस्ट हो जाता है नेक्स्ट है हमारा वैक्यूल्स दे हेल्प टू मेनटेन द ऑसमेटिक प्रेशर इन द सेल दे प्रोवाइड टर्डिटी एंड एजिडिटी टू द प्लान्टे ऑसमेटिक प्रेशर जो सेल के अंतर्गत चलता है जब ऑस्मोसिस पढ़ाएंगे डिफ्यूजन पढ़ाएंगे तो उसमें जो है ये डिस्क्राइब करके बताएंगे कि ऑस्मोसिस प्रेशर क्या होता है तो ये वैक्यूल जो है वो उसी समय वो हेल्प करता है ऑस्मोसिक प्रेशर में नेक्स्ट है पेरोक्सिम्स प्रोक्सीजम्स क्या है तो दे आर स्पेशलाइज टू कैरी आउट सम ऑक्सीडेटिव रिएक्शन सच एज डिटॉक्सीफिकेशन और रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम द सेल्स दे आर फाउंड इन किडनी एंड लीव लीवर सेल्स ये जो है जो डिटॉक्सिफिकेशन है डिटॉक्सिफिकेशन क्या है तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ये जो भी विशाला पदार्थ जब सेल्स के अंतर्गत या फिर शरीर के अंदर अंदर जाता है तो ये उसे लड़ने का काम जो है वो करता है डिटॉक्स ये इस प्रक्रिया में डिटॉक्सीफिकेशन में और ये जो है जो टॉक्सिक सब्सटेंस है उसको रिमूव करने में जो है ये मदद करता है दे आर फाउंड इन किडनी एंड लीवर सेल्स और ये अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं तो किडनी और लीवर सेल्स के अंतर्गत जो है ये पाए जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स ये लास्ट है इस वीडियो, इस वीडियो का जो है ये लास्ट टॉपिक है इसके बाद जो है सेकेंड वीडियो में जब हम बनाएंगे तो उसमें जो है ऑस्मोटिक डिफ्यूजन ये सारे जो है टॉपिक्स पढ़ाएंगे तो तो पढ़ते हैं आज है डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स एनिमल सेल्स क्या है प्लांट सेल्स इन दोनों के अंतर्गत जो है क्या डिफरेंस है वो जानते हैं फर्स्ट है एनिमल सेल्स का दे आर जनरली स्मॉल इन साइज एनिमल सेल्स जो है वो जनरली जो है वो क्या होता है तो साइज में जो है छोटा होता है और प्लांट सेल्स आर लार्जर देन एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स जो है वो एनिमल सेल्स की तुलना में जो है बड़े होते हैं सेकेंड एनिमल सेल्स का सेकेंड सेल वाल इज एब्सेंट एनिमल सेल में जो है सेल वाल नहीं पाया जाता है प्लांट सेल में जो सेल वाल पाए जाते हैं थर्ड प्लास्टिड्स आर एब्सेंट एक्सेप्ट यूग्लेना एंड प्रोटोजोन। यूग्लेना और प्रोटोजोन को अगर छोड़ दें तो बाकी सभी के पास जो है वो प्लास्टिड्स एब्सेंट रहता है और प्लांट सेल में प्लास्टिड्स आर प्रजेंट इसमें प्लास्टिड जो है वो मौजूद होता है नंबर फोर हिर वैक्यूल्स आर मैनी स्मॉल एंड टेम्प्ररी यहाँ पर जो प्लान्टे एनिमल सेल में वैक्यूल्स जो है छोटे होते हैं और टेम्प्ररी होते हैं और ये प्लान्टल में दे हैवे परमानेंट एंड लार्ज सेंट्रल वाक्यूल्स इसमें परमानेंट सेल ये वाक्यूल्स जो है वो पाए जाते हैं नंबर फाइव दे हैव सेंट्रोजोम्स एंड सेंट्रियल्स एनिमल सेल्स में सेंट्रोजोम्स और सेंट्रियल्स पाए जाते हैं लेकिन प्लांट सेल में जो है सेंट्रोजोम्स और सेंट्रियल जो है वो मौजूद नहीं होते हैं ओके okay, स्टूडेंट्स तो ये जितने भी टॉपिक्स थे इन सारों को जो है आप एक नोट बुक ये नोटबुक में जो है आप लिखेंगे इसको अच्छे से देख करके फेयर कर लेंगे और जितने भी टॉपिक्स पढ़ाया गया है इसको आप नोट करने के बाद अच्छे से याद कर लेंगे यही आपका एच डब्लू का जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एच डब्ल्यू में भी मैंने लिख दिया है कि डू फेयर एंड रिमेंबर ऑल टॉपिक्स फेयर कर लेना है आपको और जितने भी टॉपिक्स जो मैंने कवर किया है ये सारे टॉपिक्स को जो है आप लिखने के बाद याद भी कर लेंगे ओके okay, स्टूडेंट्स तो अपना ख्याल रखिए थैंक यू